हेलो एवरीवन, आज हम झटपट से बनने वाली ब्रेकफास्ट की रेसिपी बनाएंगे और इन सूजी टोस्ट को आप नाश्ते में सर्व कर सकते हैं और उसके साथ ही आप इसे लंच बॉक्स में भी बच्चों के लिए पैक कर सकते हैं। बच्चों को ये सूजी टोस्ट बहुत पसंद आते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे इस बैटर। इसके लिए मैंने लिया है 1.5 कप सूजी। सूजी आप मोटी या बारीक कोई सी भी ले सकते हैं। अब उसमें मैंने 1/2 कप दही डाला है और दही कोशिश करें कि अगर खट्टा हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर खट्टा नहीं है तो आप इसमें थोड़ा सा नींबू का रस डाल सकते हैं। अब इसमें हम पानी डालेंगे और एक गाढ़ा सा बैटर बनाएंगे। इसका बैटर आप पतला ना बनाएं, क्योंकि अगर पतला होगा तो फिर इसे सिकने में समय ज़्यादा लगता है। मैंने इसमें लगभग 1 कप पानी डाला है, पर पानी की क्वांटिटी आपकी सूजी के ऊपर थोड़ी सी डिपेंड करेगी। और इसे हम अच्छी तरह से फेंटेंगे जिससे इसमें कोई लंप ना रहे। अब इसमें हम टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और साथ में कुछ पिसी हुई थोड़ी सी लाल मिर्च, आप चाहें तो इसमें काली मिर्च भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा 1/2 टीस्पून के करीब जीरा। आप इसमें चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं, और अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो फिर इसमें चिली पाउडर बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं, और चाहें तो थोड़ा सा इसमें ऑरिगेनो भी डाल सकते हैं। अब इसे हम थोड़ी देर के लिए सोक करने रखेंगे जिससे ये अच्छी तरह फूल के सॉफ्ट हो जाए। अब इसे ढक के मैंने 15 मिनट रख दिया है। अब इसमें हम कुछ सब्जियां डालेंगे। मैंने इसमें दोनों तरह की कैप्सिकम, टमाटर और हरी मिर्च लिया है, पर हरी मिर्च ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो उसे स्किप कर सकते हैं। अब मैंने इनको एकदम बारीक बारीक काट लिया है। मैंने इसे चॉपर से काटा है, आप जिस तरह से चाहें आप इसे काट सकते हैं, पर इसके टुकड़े बारीक ही रखें। अब सूजी हमारी अच्छी तरह सोख हो गई है, अब इसमें हम सारी सब्जियां डालेंगे। मैंने इसमें कॉर्न भी डाला है, कैप्सिकम और टमाटर, पर आप चाहें तो इसमें ग्रेटेड गाजर, बॉयल्ड मटर, मशरूम, हरा धनिया या जो आपके पास अवेलेबल हो या जो आपको पसंद हो वो इसमें डाल सकते हैं। इसमें तीनों कलर की कैप्सिकम भी बहुत अच्छी लगती हैं, पर अगर आपके पास सिर्फ ग्रीन है तो आप ग्रीन ही डाल सकते हैं। और टमाटर में से मैंने इसका जो जूस है और सीड निकाल लिए, क्योंकि उससे फिर ये रखे रखे पतला हो जाता है। इस बैटर को आप बना के एक दिन पहले भी फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको सुबह बनाना है तो आप पहले बैटर बना लें, पर सब्जी इसमें तभी डालें जब आपको टोस्ट इसके बनाने हों। मैं इसके लिए वाइट ब्रेड ले रही हूँ, पर आप इसमें ब्राउन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड, जो चाहें ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस बैटर को हम अच्छी तरह से इस पर लगा देंगे। थोड़ी सी थिक लेयर ही लगाएं तो ही इसमें थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। और आप एक एक टोस्ट पे बैटर लगाते जाएं और सेकते जाएं, या आप 4-5 ब्रेड पे इस तरह से लगा के पहले रख लें और फिर सेक सकते हैं। थोड़ी सी आप चाहें तो ऊपर से भी थोड़ी सी सब्जियां लगा सकते हैं, क्योंकि वो सिकने के बाद दिखने में काफ़ी अच्छी लगती हैं। तो इसमें आप जितनी रंग बिरंगी सब्जियां यूज़ करेंगे उतना ही आपका टोस्ट दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब मैंने गरम तवा किया है, उस पर मैंने थोड़ा सा बटर लगाया है। आप बटर, घी या रिफाइंड ऑयल जो भी चाहें उससे इसे सेक सकते हैं, पर थोड़ा ही लगाएं, बहुत ज़्यादा लगाने की इसमें चिकनाई ज़्यादा ज़रूरत नहीं रहती है। अब एक तरफ से सिकने के बाद हमने पलट लिया है, उसे इस तरह से हम दबा दबा के सेक लेंगे। मैंने इसमें एक तरफ सूजी लगाई है, यूजुअली एक ही तरफ लगाई जाती है, पर आप चाहें तो एक तरफ सिकने के बाद जब आप टर्न करेंगे तो दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं, यानी कि आप दोनों तरफ इस सूजी के बैटर को ब्रेड पर लगा सकते हैं। आपने एक बना लिया, इसी तरह हम दूसरा भी बनाएंगे। और आपका तवा बड़ा है तो आप एक साथ 2 या 4 टोस्ट भी इसमें बना सकते हैं। जितनी आप इसमें सब्जियां डालेंगे उतना ही ये टोस्ट कलरफुल और बच्चों के लिए हेल्दी बन जाता है। और आप इसमें हरा धनिया, पालक या कोई भी ग्रीन वो भी इसमें डाल सकते हैं। अब हमारे टोस्ट बन गए। अब इसमें हमने इसके ट्रायंगल काट लिए, आप चाहें तो 4 टुकड़े भी कर सकते हैं। इन सूजी टोस्ट को आप चटनी या केचप किसी के साथ भी सर्व करें, आपको बहुत पसंद आएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखें।